दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं धरती के स्वर्ग की, यानी जम्मू कश्मीर की। अगर एक तरफ श्रीनगर जैसी जल झील खूबसूरत जगह है तो दूसरी तरफ अमरनाथ जी भी हैं, और एक तरफ अगर गुलमर्ग है तो दूसरी तरफ वैष्णो देवी जी भी हैं। यानी यह हिंदू मुस्लिम का एक गहवारा है और हिंदू मुस्लिम की एक पहचान है कि यहाँ एक सभी लोग, सभी जाति और धर्म के लोग एकजुट होकर रहते हैं। धरती का वाकई स्वर्ग है ये। आज हम वहाँ के इलेक्शन की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ, और तीसरे चरण का चुनाव यानी घाटी की 16 सीटें और जम्मू की 24 सीटों पर आज मतदान हुआ। और ये मतदान यानी शुरू से ही लेकर प्रथम चरण से लेकर तीसरे चरण तक का मतदान अपने आप में ऐतिहासिक मतदान रहा, जिस मतदान ने साबित कर दिया कि आवाम जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और आवाम जो है किसी भी अराजकता अपने सूबे के अंदर नहीं चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अमन पसंद है। उनकी पोलिंग इस अंदाज में को बयान कर रही थी, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर 73% का पोलिंग होना अपने अंदर विश्व रिकॉर्ड है। यानी पहले चरण में 56% पोलिंग हुआ, तो दूसरे चरण में लगभग 63-64% हुआ, और तीसरे चरण के अंदर 70% के लगभग पोलिंग हुआ। यानी ये देश आज़ाद होने के बाद में जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने घरों से निकलकर अपने जनादेश दिया। अब देखना यह है कि आने वाले जो 8 तारीख में परिणाम आएंगे वो इस बात को दिखलाएंगे कि परिणाम वो किस किस पार्टियों के पास में पहुंच रहे हैं और किस किस पार्टी के पास में कितनी कितनी सीटें आएंगी। लेकिन सर्वे के मुताबिक किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी जम्मू कश्मीर की यानी श्रीनगर के आसपास के जो इलाका है, जो अनंतनाग है और बारामूला है, और ये इसके अलावा गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और तुम्हारा ये अमरनाथ वाला इलाका है, यहाँ पर मिली जुली सीटें अलग अलग पार्टियों पर जा रही हैं। यानी पीडीएफ के पास में लगभग कुछ सीटें पीडीएफ के पास में हैं तो कुछ नेशनल कांग्रेस के पास में हैं। और इधर जो क्षेत्र है हमारा, यानी जम्मू के इलाका जो है, जहाँ पर हमारा उधम सिंह नगर आता है, और उधम सिंह नगर और माता वैष्णो देवी का जो क्षेत्र है, और ये पूरा क्षेत्र यानी कुपवाड़ा, इसके अंदर जो आज चुनाव हुआ, ये क्षेत्र जो है वो बीजेपी समर्थक है। यहाँ पर अब 2014 के अंदर पीडीएफ ने बीजेपी के से मिलकर सरकार का गठन हुआ था। ये पहला मौका था कि बीजेपी ने यहाँ पर 2014 के अंदर सरकार बनाई थी। पीडीएफ यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी, जो ये जानती थी कि बीजेपी इस टाइम रूलिंग पार्टी है, सत्ता में आ चुकी है, इसी वजह से उसने बीजेपी का दामन थामना मुनासिब समझा अपने प्रांत की तरक्की और बहबूदी के लिए। लेकिन अगर वो चाहती उस समय तो कांग्रेस और पीडीएफ मिलकर और कुछ अन्य आजाद उम्मीदवार मिलकर, पर्याप्त इनके पास सीटें थी कि ये कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना सकती थी। यानी 2014 के अंदर अगर पीडीएफ चाहती, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी चाहती, तो भाजपा के साथ न जाकर वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी सूबे की यानी जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, कि सत्ता में इस टाइम बीजेपी है और दिल्ली के बगैर यहाँ का गुजारा नहीं है, उन्होंने भाजपा का दामन थामना मुनासिब समझा, और ये उनकी किसी हद तक भूल साबित हुई। अवाम इससे नाराज़ हुई और इसका खमियाजा पूरी जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ा। अब 2024 का जो जनादेश आ रहा है, ये किसी को बहुमत
बहुमत में आता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना तो बीजेपी के पास इतनी सीटें आ रही हैं और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के पास आ रही हैं, और ना ही पीडीएफ के पास कोई इतनी सीटें आ रही हैं। और ये बिल्कुल अदुर्भुत जनादेश है, यानी इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग होने के बाद भी जनादेश जो है वो अदुर्भुत है। इसको चमत्कारी जनादेश आएगा जो 8 तारीख के बाद में इनको उलझन में, तमाम राजनीतिक पार्टियां उलझन में उलझ जाएंगी और कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपना गठजोड़ तैयार करेगी, कांग्रेस अपनी नीति बनाएगी और भाजपा अपनी नीति बनाएगी। भाजपा पूरा प्रयास करेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी सरकार बन जाए, क्योंकि 8 तारीख को ही परिणाम हरियाणा के आएंगे, जो हरियाणा लगभग बीजेपी के हाथ से जा चुका है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को खोना नहीं चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि समय मिलेगा और ऐसा जनादेश आएगा जिसमें उनको समय मिल जाएगा अपना गठजोड़ करने के लिए, तोड़फोड़ मचाने के लिए। इसके अंदर पूरी कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि हम यहाँ पर अपनी सरकार बना लें। अब ये आने वाला समय बतलाएगा कि सरकार किसकी आने वाली है और किसकी नहीं आएगी। यानी इस देश का ऐसा प्रमुख प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर, जिसकी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि वहाँ किसकी सरकार बनने वाली है, अब ये 8 तारीख के बाद में तय होने वाला है किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आपको मेरी वीडियो पहुंचती रहे। और अपने राय, अपने बातें कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।